आज सावन का पहला सोमवार है और मैं पहुंच चुका हूं अपने शहर के सबसे सुप्रसिद्ध और सबसे पुराने मंदिर शिव बाबा धाम के पास। इस मंदिर की महत्ता ये है कि आप अगर सच्चे दिल से यहाँ पे जो भी मनोकामना मांगते हैं बहुत ही जल्द पूरी पूरी होती है। और यहाँ मैं आपको अभी अंदर भी दिखाता हूँ कि जो भक्त यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं और मुरादें मांगते हैं वो यहाँ घंटी भी बांधते हैं। तो ये इसकी का बहुत लंबी कहानी है, किसी और वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी चलिए आपको दर्शन कराता हूँ शिव बाबा का। ये एंट्री गेट है। शिव बाबा एक्चुअली क्या है कि नॉट अबाउट भोलेनाथ, ये भोलेनाथ के एक भक्त की यहाँ पे स्थापना है जिसको ब्रह्म शिव शिरोमणि शिव बाबा के नाम से जाना जाता है, जो भोले बाबा के अनन्य भक्त थे और उनकी उपासना मात्र से ही हम भक्तों की सारी मनोकामना यहाँ पूरी हो जाती है। तो आप सभी भी जब भी इधर आएँ तो यहाँ दर्शन अवश्य करें, काफ़ी शांति मिलती है मन को। और यहाँ सामने देखिए भोलेनाथ की भी प्रतिमा है जो कि अभी जल्द में 2-3 साल पहले ही स्थापित हुई है माता पार्वती के साथ। तो यहाँ भी आप आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और इधर अगर आपको जल अर्पण वगैरह करना है तो यहाँ ढेर सारी शिवलिंग है, यहाँ के आप पूजा पाठ कर सकते हैं। और अगर आप फास्ट फूड के शौकीन हैं तो यहाँ पे आपको हर तरह तरह की चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे गुड़ वाली जलेबी जो सामने आप देख रहे हैं बहुत टेस्टी रहता है। और यहाँ का जो फेमस चीज़ है वो है यहाँ का चाट जो कि बहुत बेहतरीन रहता है, बहुत तीखा बनाते हैं, एकदम चुड़की सोटा हो जाएगा। तो अगर तीखा खाने के शौकीन है तो यहाँ जरूर खाएं। भाई लग रहा है यहाँ बहुत भीषण मार हो चुकी है निकल ले भाई, वही बेहतर है, इन सब झंझटों से दूर रहना सही कह रहे चाहिए। हो। ये बुग्गू पेन के हर एक पार्ट को अलग कर दी है मैडम अनवादी शुरू भाई ने।